देखिए, आप जिस तरीके से खा रहे हो, अच्छे अच्छे चीजों का सेवन कर रहे हो, लेकिन क्या आपके बॉडी में उस लेवल की एनर्जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों नहीं? हमारी एनर्जी जा कहाँ रही है? तो देखिए, हम लोग कुछ ऐसी गलतियों को कर रहे हैं जो कि हमारे एनर्जी को अंदर ही अंदर चूस रही है, खत्म कर रही है। और आज के युद्ध तो इन मिस्टेक्स को और ज्यादा कर रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हमारी जो सबसे पहली मिस्टेक है जो कि हमारी एनर्जी को बर्बाद कर रही है, वो है पॉर्न एडिक्शन। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के गंदे वीडियोस को देखता है तो इसका सीधा असर उसके ब्रेन के परफ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, और ये उसके ब्रेन का वही हिस्सा है जिससे कोई इंसान डिसीजन लेता है, किसी चीज को सोचता है, किसी चीज को याद रख पाता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करता है। लेकिन ये गलत चीजें उसके ब्रेन के इसी हिस्से को कमजोर बना देती है, और यही कारण है कि आज के युद्ध हर वक्त परेशान रहता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है, किसी चीज को याद नहीं रख पाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, क्योंकि उसके ब्रेन को हाई डोपामिन की आदत पड़ जाती है। और जितने भी काम होते हैं, पढ़ाई करना या फिर किसी काम को करना, वो उसे बोरिंग लगने लगता है। इसके अलावा जब आप इस तरह के चीजों को देखते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और जो कि आपके बॉडी के टेस्टोस्टेरोन को भी घटा देता है। और टेस्टोस्टेरोन का घटना यानी कि आपके बॉडी का एनर्जी का घटना। तो जितना हो सके इन सब चीजों से बाहर निकल के और असल दुनिया से अपना परिचय करवाइए। अब आपकी दूसरी गलती है टू मच मास्टरबेशन। ये पॉर्न एडिक्शन का छोटा भाई है, क्योंकि पॉर्न एडिक्शन आपको दिमाग के स्तर पे कमजोर बनाता है, और मास्टरबेशन आपको अपने बॉडी के स्तर पे कमजोर बनाती है। जो भी व्यक्ति इन दोनों चीजों में फंस चुका है, वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से कमजोर हो जाएगा। देखिए, जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपकी बॉडी से स्पर्म एजुकुलेट होती है, लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ स्पर्म ही बाहर जाती है? नहीं, उसमें बहुत तरह के विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा ये आपके बॉडी के एजीएच हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोनों को डिक्रीज करती है, क्योंकि ये आपके बॉडी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती चीज है, और इसीलिए आयुर्वेदा में इसे शुक्र धातु कहा जाता है, यानी कि हीरे के समान इसे माना जाता है। तो देखिए, अगर आप अपने यंग एज में हो तो एक लिमिट में कीजिए, क्योंकि इस एज में बहुत एक्सेसिव मात्रा में स्पर्म बनती है। लेकिन अगर आप डोपामिन के चक्कर में यानी कि मजा के चक्कर में हद से ज्यादा करोगे, इससे एडिक्ट हो जाओगे, तो पूरा जिंदगी बर्बाद कर लोगे। और आज के 80% यूथ वर्कआउट कर रहे हैं, सही खान पान ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बॉडी का निर्माण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वे लोग इन दो चीजों से एडिक्ट हो चुके हैं। आपकी तीसरी गलती है देर रात तक जबरदस्ती जागना। आपको याद होगा कि जब आप किसी शादी या पार्टी में रात को जबरदस्ती जागते हो तो उसके दूसरे दिन आपके बॉडी का ताकत का क्या हाल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी बढ़ाने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं, वो उसी वक्त रिलीज होता है जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं। लेकिन आज के युद्ध जबरदस्ती रात जाग रहे हैं, गलत चीजों पे टाइम बिता रहे हैं। तो देखिए, अगर आप रात जाग भी रहे हो तो सही चीजों के लिए रात जागो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए रात जागो, गलत चीजों के लिए नहीं। क्योंकि अगर आपका एनर्जी लॉस भी हो रहा है तो सही चीजों में लॉस हो, ताकि आप एक सही इंसान बन सको। ये नहीं कि गलत चीजों में अपने बॉडी का एनर्जी, ताकत, दिमाग सब कुछ बर्बाद कर दे। तो देखिए, इन गलतियों की वजह से आपकी बॉडी का एनर्जी, स्टेमिना और ताकत पूरी तरीके से खत्म तो हो ही चुकी है, लेकिन अब भी आपके पास समय है कि आप अपने बॉडी को रिकवर कर लें। और आप अपने बॉडी के एनर्जी को रिकवर करने के लिए आप मानव हर्बल का सेहत रसायन ले सकते हो। इसकी सबसे अच्छी बात कि ये पूरी तरीके से नेचुरल है, और इसे बनाने के लिए केवल और केवल आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ये आपके बॉडी के एनर्जी को बढ़ाता है, वेट गेन में मदद करता है, स्टेमिना को बूस्ट करता है, स्पर्म काउंट को तेजी से बढ़ाता है, साथ ही साथ ये आपके स्ट्रेस को भी कम करता है, और ये पूरी तरीके से नेचुरल है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब हम लोग इसे सेवन करने का सही तरीका जान लेते हैं। तो देखिए, आपको इसके एक चम्मच को हल्के गुनगुने गर्म पानी में, या फिर आप इसका ज्यादा फायदा देखना चाहते हो तो हल्के गुनगुने गर्म दूध में अच्छे तरीके से घोलकर पीना है। इसके साथ आपको इसमें एक टैबलेट मिलेगी, आपको एक टैबलेट को हर रोज इसी के साथ पीने के बाद खाना है। तो अगर आप मानव हर्बल के सेहत सुधा को लेना चाहते हो तो इसका बेस्ट बायर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां से आप आसानी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। अब आपकी चौथी गलती है
दिन भर आलसियों की तरह पड़ा रहना। देखिए, आपका बॉडी एक मशीन की तरह है, अगर आप इसे यूज नहीं करोगे तो ये धीरे धीरे करके कमजोर ही बनेगा। और देखिए, आपका बॉडी आपको हर एक चीज दे रहा है जो कि आपको चाहिए, लेकिन आप अपने बॉडी को पूरे 24 घंटे में 20 मिनट भी वो नहीं दे रहे हो जो कि आपके बॉडी को चाहिए। यानी कि आप पूरे 24 घंटे में 20 से 25 मिनट भी ऐसा नहीं निकाल रहे हो जिसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करो, जिससे कि आपका बॉडी स्ट्रांग बने, आपके बॉडी का एनर्जी बढ़े। तो देखिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको पूरे 24 घंटे में केवल 20 से 25 मिनट निकालना है और उसमें आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करो, स्कीपिंग करो, पुलअप्स लगाओ, पुशअप लगाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करना है। आपकी पांचवी गलती है फास्ट फूड और तेल से बने चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना। देखिए, जितने भी इस तरह की चीजें होती है ना, वो स्वाद में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होती, क्योंकि इस तरह की चीजें हमारी बॉडी के स्टेमिना को घटाती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को घटाती है, एनर्जी को घटाती है, साथ ही साथ हार्मोन को डिसबैलेंस कर देती है, जिससे नए नए तरह के बीमारियां होना स्टार्ट होती है और हमारा फुर्ती पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये पांच ऐसी गलतियां हैं जो कि हमारी एनर्जी को, हमारी ताकत को धीरे धीरे करके चूस रही है, खत्म कर रही है। तो हमें नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप इन पांच गलतियों में से कितनी गलतियों को कर रहे थे। और इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।